चाहता हूँ कि आज आप लोग प्रेस को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार, और जितने हमारे मीडियाकर्मी हैं, मीडिया भाई हैं, और हमारे मित्रगण हैं, और जो भी हमारे साथी हैं, हमारे कंपनी से जुड़े हैं, टेक्निकल लोग हैं, तो हम ये आज बड़े खुशी की बात है कि हमारी कंपनी, हम लोग तो करीबन 16-17 साल से इंडस्ट्री में है। इसमें हम लोग का रियल एस्टेट का बिजनेस है, क्रेडिट सोसाइटी का बिजनेस है, उसके बाद आईटी सेक्टर में हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्र के हम सारे लोग हैं। इसमें हमारे डायरेक्टर मुंडा जी हैं, खंडारे जी, जो पदपेटी का काम काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। मैं रियल इस्टेट में रत्नेश यादव करीबन 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। फिल्म का मेरा काम है और बहुत सारे काम हैं। हमारे जो पार्टनर हैं राजेश दुर्गे जी, ये आईटी के क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ 15-16 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं, राजेश रमेश मौर्य जी हैं और तांबे साहब हैं, बहुत सारे मित्रगण हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सेंटूर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसके का एक प्रोडक्ट है सोलमेट नाम से, जो कि हम लोग अभी ब्लॉकचेन और कह सकते हैं कि एक्सचेंज में हम लोग उतर रहे हैं, जिसका आज पहला हम लोग एक अनाउंसमेंट है, जिसके माध्यम से आप लोग सारे लोग आए हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान, अभी देखिए, पहले आपने देखा होगा करेंसी लोग जेब में लेके चलते थे, कुछ बड़ा बिजनेस करना होता था उनको करेंसी हाथ में आती। आज के डेट में कुछ सालों से आपने देखा होगा, नियर अबाउट 5-6 सालों से करेंसी आपके पास नहीं है। आप लोग ज़्यादातर पैसा कैसे पेमेंट करते हैं? ऑनलाइन, पेटीएम के माध्यम से, गूगल के माध्यम या किसी के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं। तो करेंसी अभी ऐसी हो चुकी है, आपके जेब में नहीं रहने वाली है। आपके पास सब जो करेंसी होगी वो वर्चुअल होगी। तो आज बहुत सारा आपने नाम सुना होगा कंपनियों जो बहुत सालों से काम कर रही है। कुछ साल पहले मेरे मित्र ने कहा था कि मुझे एक कॉइन ले लो, वो कॉइन 22,000 रुपये की उस समय मिली, तो 10 कॉइन के बारे में बात किया था। वो मेरे मित्र बगल में बैठे हैं, मैंने उनकी बात नहीं माना। आज वो कॉइन की कीमत है 18 लाख रुपया, एक कॉइन की कीमत है। शायद उस समय मैं लिया होता 2 लाख रुपये की कॉइन, तो आज मेरी वैल्यू होती कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया। तो ये 5-6-7 सालों की बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं। तो ये जो आने वाला समय है, इस टेक्नोलॉजी का है। आप पहले यही कैमरा आप लोग किससे चलाते थे? रील होता था, उसके थ्रू चलाते थे। आज चिप आ गया तो आप लोग कितना भी फुटेज खा जाओ, जैसे हम ही फुटेज खा रहे हैं आपका, आप जितना चाहो एडिट करके डालोगे, नहीं तो नहीं डालोगे। तो कहने की चीज़ें हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें आपको हमको आना होगा। तो यही हमारा मेन छोटा सा परिचय। इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सर, कहते हैं कि जो निर्माता होता है सर, वो उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे देकर बूढ़ा हो जाता है। लेकिन आप लोगों के बारे में एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग पैसे कमाने का भी तरीका बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ जो लोग हैं, जैसे आपको मिला हुआ, जी जी जी, आपके साथ जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में? एक आम आदमी जो कॉमन मैन है, जिसे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, वो कैसे पैसे कमा सकता है, अपनी लाइफ को कैसे बना सकता है? इसमें सिंपल सा फंडा है कि मैं नहीं कहता कि आप अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी जगह लगाएं, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो और कदर इन्वेस्टमेंट जगह आप लगाना चाहते हो, रियल इस्टेट हो, कहीं भी लगाना चाहते हो। एक ऐसा फंडा है कि इसमें हमारी एक प्रोडक्ट 8 रुपये का ही है, आप 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये एक तरह से जो मार्केट वैल्यू होगी उसी के आधार पर आपको उसका रिटर्न आएगा। अभी आज 10 रुपया का हो सकता है, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया, ये तो भविष्य की बातें हैं। तो आम आदमी कितना करना चाहूँगा कि अपने बाल बच्चों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, जो आपको बेहतर लगे, जितना आपको हो सके, आप छोटी से हमारे यहाँ प्रोडक्ट लीजिए और आने वाले फ्यूचर अपनी लाइफ बनाइए। आम जनता ये कॉइन कैसे खरीद सकेगी सर? आम जनता के माध्यम से हमारे पास एक ऐप है जो अभी आ रहा है मार्केट में। आप लोगों को जो भी गूगल ऐप वगैरह होगा, आप उसे आप स्टोर कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप परचेस कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में एंटर होने जा रहे हैं, तो आप अपने बारे में और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? मेरा नाम गुना जी खंदारे, मैं स्टार्टिंग से सहकार क्षेत्र में काम करता हूँ, यानी फाइनेंस में, बैंक में काम करता हूँ। ये वहाँ से मुझे थोड़ा प्रोत्साहित होके मैं थोड़ा आवाज़ बढ़ाइए सर, सुनाई नहीं दे रहे। तो ये मैं नया टेक्नोलॉजी में सोलमेट, ये हम लोग का कंपनी जो है कॉइन, इसमें से हम लोग यहाँ पे ये इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं।
इतना ही है, बाकी का सब सर राजेश सर बताएंगे। राजेश दुर्गे जी, आप थोड़ा बताइए टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपने आपकी ये आइडिया है सोलमेट टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। ये तो टेक्नोलॉजी की शुरुआत है एक्चुअली। क्या होता है, ब्लॉकचेन अभी आपको बताता हूँ मैं। ब्लॉकचेन एक सिस्टम होता है जिसपे एक करेंसी बनती है, जैसे बिटकॉइन बना है वो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, इथेरियम जैसे कॉइन है वो ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो ब्लॉकचेन में बहुत सारी खामियाँ है जो हमने निकाली हुई है, तो वो चीज़ हमारे ब्लॉकचेन में आने वाली है सोलमेट में, ऐसा है। ओके, एक्चुअली आपने यहाँ पे लिखा है सोलमेट कॉइन, सोलमेट ब्लॉकचेन और सोलमेट एक्सचेंज, तीनों के बारे में जरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो अच्छा है। देखो सोलमेट एक्सचेंज ऐसा है ना, तो मार्केट में तो बहुत सारे एक्सचेंज है जो लोगों को फंसाते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा नीचे लेके आते हैं, लोगों का फ्रॉड ज़्यादा होता है, जो भी होता है वो गलत काम होता है। तो हम लोग वही चाहते हैं कि लोगों को प्रॉपर वे से ट्रेडिंग हो, लोगों का फंड प्रॉपर वे से अगर आप ऊपर नीचे हुए, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हुए, इसलिए हम लोग एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं हमारे। अभी आप कितने पॉइंट लॉन्च करते हैं सर? अभी इनिशियल हम 10 पॉइंट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, पॉइंट का सप्लाई 10 करोड़ का हमारा टोटल सप्लाई होगा मार्केट में, 10 करोड़ सप्लाई छोड़ रहे हैं। जिसकी प्राइस क्या होगी अभी? अभी 8 रुपये से चालू हो रहा है, वो कितना भी हो सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है। ये INR में परचेस कर सकते हैं? INR को अभी ये मंथ एंड से परचेस चालू हो जाएगा, अभी डॉलर से है, USDT से चालू। इसमें कुछ अफिलिएट प्रोग्राम वगैरह है सर? हाँ, सिंगल जो रेफर करता है उसको हम लोग 5% ऐसा दे रहे हैं, वन मैन कोई किसी को नहीं। थैंक यू सर। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी क्या है, कितने लोग लाइव है, कितने लोग ट्रेड कर, हम लोग लाइव दिखाएंगे वॉल्यूम कितना है, कितने लोग आए हुए, वो आप उससे देख से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और मार्केट में जो ग्राफ पे आप उससे भी आपको पता चल जाता है मार्केट ऊपर जाने वाला नीचे आने वाला, उसका भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब मेरा दूसरा ये सवाल है कि जैसे और भी हैं, आपने जैसे बताया और भी है, तो आपकी कॉइन दूसरे कॉइन से एक्सचेंज हो सकती है? हाँ हो जाएगी, पिछले एक्सचेंज इसलिए बना रहे ना, एक्सचेंज का मीनिंग ही वही है कि स्वैपिंग होता है, आप मेरे कॉइन से बिटकॉइन भी ले सकते हो, बिटकॉइन से भी मेरा कॉइन आप ले सकते हो, सोलमेट ले सकते हो। क्या लगता है सर आपको, आपकी जो अभी नई करेंसी आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर ये कि मार्केट में बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है अभी, वो चीज़ों को हमको ये कॉइन्स के द्वारा रुकना है, हमको हमारा मेन मोटो वो है। लोग कंपनी बनाते हैं, कॉइन की कंपनी बनाते, एक्सचेंज आ रहा है सब बता के लोग भाग जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कंपनी को, हमारा एक्सचेंज यहाँ पे लिस्टिंग है, लोगों को प्रॉपर वे से उनका ट्रेडिंग करा हो। कॉइन लॉन्च हुआ है, प्री लॉन्च, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे और ये कॉइन के बारे में भी कुछ बताएंगे? सर कॉइन के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो मार्केट में जितने कॉइन्स मार्केट में आप सुनेंगे, बिटकॉइन है, इथेरियम है, टाटा कॉइन है, वजीरेक्स कॉइन है, बहुत सारे कॉइन्स है जिसके ऊपर लोग अपना अपना बेनिफिट निकालना जानते हैं। आज ट्रेडिंग की दुनिया में पूरी दुनिया घुसी हुई है, आप देखेंगे कि रोज़गार के मामले में अगर देखा जाए तो पिछले नोटबंदी के बाद अगर उसका अंजाम देखेंगे तो लोग अभी नौकरी से भी बेहाल हो गए, तो ऐसे वक्त में आप करोगे क्या? तो एक जो प्लेटफॉर्म ये बिल्ट हो रहा है, एक आपको अच्छा रोज़गार दे सकता है सबसे पहले, वो कॉइन के माध्यम में हो सकता है। दूसरा, अगर कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं तो एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर के माध्यम से हो सकता है। तीसरा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये एक सिक्योर टेक्नोलॉजी, भारत की पहली टेक्नोलॉजी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से आप देखोगे जितने भी प्लान लॉन्च हो रहे हैं क्रिप्टो के, इंटरनेशनल लेवल से लॉन्च होते हैं, वहाँ पर गैस फीस ज़्यादा होती है। अगर आपको गैस फीस के बारे में, जैसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस, ठीक है, तो उन लोग के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके हिसाब से होते हैं। अगर हम इंडिया में इस चीज़ को करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो यूज़र्स अगर आप देखोगे गूगल में डालकर, तो परसेंटेज वाइज 80% क्रिप्टो यूज़र इंडिया में ही है, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्राफ अगर इंडिया में काम कर रहा है तो ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके वजह से, उस सोच से हमने टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन को इंडिया में लाने की कोशिश की है, ठीक है। जो आने वाले दिनों में अभी उसका जो रोड मैप तैयार हो रहा है, अभी तो ये शुरुआत है, जस्ट अनाउंस किया है, अभी इसका कोई मतलब फंडामेंटल्स वगैरह सब तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले 6-7 महीनों बाद ब्लॉकचेन जैसा लॉन्च हो जाता है,
ब्लॉकचेन्स के बाद फिर हम एक्सचेंजर को और कॉइन्स को पूरी दुनिया के सामने कर देंगे। ठीक है, अभी इस इनिशियल स्टेज में जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसको रोज़गार बना सकते हो, अभी हमारे राजेश दुर्गे जी ने कहा कि ये कॉइन अभी 8 रुपये में हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो पहला स्टेप है ये जो 8 रुपये में मार्केट में कॉइन चला जाएगा। आपने बिटकॉइन सुना था, फ्री भी आया करता था, ठीक है, उसके बाद फिर 2000 हुआ, 9000 हुआ, 1 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, 60 लाख तक पहुँच गया। ठीक है, तो इस ग्राफ का या इस चीज़ का हम लोग कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये 8 रुपया शायद 80 हो जाए, 800 हो जाए या 8 लाख भी हो जाए। तो अभी से आप लोगों की माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि छोटी छोटी एक निवेश करके रखिए, 8 रुपया भले अभी आपको कोई ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 साल के बाद ये 8 रुपया अगर 8 लाख हो जाता है तो ये आपका मुनाफा होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो 8 रुपया है, आपने कोई टारगेट फिट किया है कि 1 साल या 2 साल बाद ये 8 रुपया 80 लाख होगा? नहीं, ये सर एक तो आदमी करता है, फ्यूचर प्लानिंग करता है। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग का जो हमने अगर आप पूछ रहे हैं तो ये पब्लिक के हाथ में दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। आप 8 रुपये में ले रहे हो, कभी इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारे पास कॉइन देने के लिए नहीं रहेंगे। हमने तो 10 करोड़ का जो सप्लाई है खाली उतना ही सीमित रखा हुआ है। ठीक है, 10 करोड़ के बाद हमारे पास कॉइन ही नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर आप अपना 8 रुपये का जो कॉइन है वो सामने वाले को 10 रुपये में बेच सकते हो, 12 में बेच सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। तो इसी तरह से ये ग्राफ धीरे 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 करके बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप ही लोग इसको कितना डिमांड में लाना चाहते हो ये आपके ऊपर तय होगा। हनुमानकर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, सोलमेट एक ऐसा नाम है जो आप उसको पूरा ट्रस्ट ले सकते हैं। अब ट्रस्ट यानी क्या? सबसे अहम चीज़ जैसे दुर्गे साहब ने पहले आपको बताई कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजर्स हैं जहाँ पर हर एक वर्ल्ड के कुछ जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो अपनी करेंसी वहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं या वहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि गैस फी ज़्यादा होने के कारण, वहाँ के कंडीशन ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप सबको एक अच्छा मौका दे रहा है कि एक अच्छे लेवल के जिनके पास वाइट पेपर है, जिनके पास प्रोजेक्शंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो अच्छे जो कॉइन्स है वो यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं और आप एक्सचेंज के माध्यम से यहाँ पर खुद की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने अभी एक प्रश्न पूछा था कि आगे जाके 8 रुपये कीमत 80 लाख या 80,000 या आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। होता क्या है इसमें सिस्टम में कि जैसे कॉइन अभी हमारे पास 10 करोड़ है, उसमें से सिर्फ मार्केटिंग सप्लाई के लिए सिर्फ 3 करोड़ ही कॉइन्स है, तो 10 करोड़ में से 3 करोड़ ही मार्केट में सप्लाई होगा। और वो 3 करोड़ जब खत्म हो गए, जैसे यहाँ पर होता क्या है कि हर एक दूसरे के माध्यम से कॉइन्स बेचे जा रहे, तो जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसका अप रेट अप हो जाएगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर फिर परचेस करने के लिए कोई कॉइन नहीं रहेंगे। जैसे कंपनी के जो कोठे में कॉइन्स है, कंपनी के जो अंदर के कॉइन्स है, वो सारे शेड्यूल की तरफ से बांटे गए, सिर्फ 3 करोड़ कॉइन ही मार्केट में। जब 3 करोड़ खत्म हो गए तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप, जैसे भाई साहब ने अभी कहा था, उसी तरह से 800 रुपये ले 80 से लेके 8,000 तक और 8,000 से लेके 80 लाख तक वो पहुंचने की ताकत इस प्लेटफॉर्म में है। जैसे मैं एक्सचेंज के बारे में अगर बता दूं, आज से 5 या 6 साल पहले बाइनेंस नया प्लेटफॉर्म आया था वर्ल्ड में, उससे पहले बहुत सारे एक्सचेंजर्स थे लेकिन वो थोड़े से उसमें कुछ फ्रॉड ही थे, लेकिन बाइनेंस जब आया तो बाइनेंस में 5 साल में इतना काम किया, इतना पॉपुलर हुआ कि आज इंडिया का सेकंड लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स उसके पास बाइनेंस के पास है। तो एक ताकत होती है एक्सचेंज में जो हमारे एक्सचेंज में आगे जाके ये होने वाली है। सेकंड थिंग क्या है कि हमारा जो कॉइन है प्रॉपरली रोड मैप रेडी है कि हमारा कॉइन किस किस जगह चलेगा, चाहे वो जैसे ब्लॉकचेन के बारे में अगर बता दिया गया तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये हमने ही नहीं पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की हुई है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के, आज के इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट के रजिस्टर देखोगे या किसी के सर्टिफिकेट देखोगे या आपने अगर टीका भी लगवाया हो और उसका पंतप्रधान मोदी जी का अगर सर्टिफिकेट देखोगे तो उसके ऊपर ब्लॉकचेन माध्यम से वो सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो ये ब्लॉकचेन है क्या? क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोग्राम बनाते थे वो एक्सेल के थ्रू हम कंप्यूटर पर रखते थे और वो हैक होते थे। ब्लॉकचेन हैक नहीं होता। हैक नहीं होता इसका मतलब क्या है? तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम राजेंद्र है तो RAJENDRA,
तो मैं एक ही वर्ष में आ रहे जे इंडिया रे नहीं आएगा, एक ब्लॉक में आ रहेगा तो हजारों ब्लॉक में जे चला जाएगा, 10,000 ब्लॉक में ई चला जाएगा। इसी तरह से एक ब्लॉक बनाकर उसमें जो चेन होती है उसको इकट्ठा करके प्रोग्रामिंग बनाया जाता है ताकि कोई भी आदमी उसको हैक ना कर सके। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी की तरफ से आ रही है, सबसे अहम है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जैसे बायनेंस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उसी लेवल पर हम लोग इस एक्सचेंज को लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। आज दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, पहले 2G 3G 4G 5G, आज 5G आने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में हम उस 5G के अनुसार आए हैं। जो करेंसी आ रही है डिजिटल, ये हमारी प्रधान जी मोदी जी ने बोला है कि जो डिजिटल है डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इससे बेरोजगारी खत्म होगी और लोग आज धंधे परेशान ये है वो है, तरह तरह की बहुत कुछ आ रही हैं, और सबको होना पैसा, फास्ट पैसा होना। तो ये चीज़ दुनिया की एक अजूब, एक पूरे वर्ल्ड का पैसा आ रहा है ब्लॉकचेन के थ्रू, पूरे वर्ल्ड का, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नाइजीरिया हो, सारे वर्ल्ड की करेंसी एक जगह ब्लॉकचेन में आ रहा है उसको लेने के लिए। तो इससे क्या होता है, जब पूरी दुनिया का पैसा एक जगह आएगा तो ट्रांसफर से इधर उधर होगा, आदान प्रदान होगा। आज 120 करोड़ इंडिया है, जब वर्ल्ड आएगा, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, तो हम कहाँ जाएंगे। जो आप भाई साहब बोल रहे थे कि ये क्वाइन कहाँ से चला जाएगा, तो क्वाइन अब कौन किसने लेगा, कौन बंदा कहाँ से ले लिया, 1,000 क्वाइन ले लिया, 10,000 क्वाइन लिया, 50,000 क्वाइन लिया, क्योंकि ये जो क्वाइन है इनके पास सिर्फ 10 करोड़ ही क्वाइन है, तो बहुत छोटा है। 10 करोड़ क्वाइन मतलब बहुत छोटा है, इसके भाव कल्पना भी कोई नहीं कर सकता, या कोई अनुमान नहीं लगा सकता ये इतना ग्रोथ करेगा। आप देखते होंगे एक्सचेंज पे कभी कभी एक एक क्वाइन एक एक दिन में 500-1,000 ग्रोथ देता है, तो वो लेवालिक है, जितना लोग लेंगे, पब्लिक लेंगे, जितना पब्लिक इसके बारे में होगा। आज ये शुरुआत है, एकदम शुरुआत के दौर में हम लोग उतरे हैं, और मुझे जहाँ तक पता है यही राजेश जी थे 2009 में मेरे को बोले सर एक चीज़ आई है BTC। मैंने कहा यार क्या फालतू बात कर रहा है, ये सब हटा मत, वो हमारी जीवन की आखिरी गलती थी, मैं समझता हूँ कि आखिरी गलती थी। आज उसी के पीछे हर बात राजेश के कान में जब सोता हूँ, यार इसके एक कहने पे मैं, मेरे पास फंड भी था, पैसे वाले भी था मैं, कि 10 तो लेना था, 4,500 इसको इन्वेस्ट कर देना था मुझे, तो मेरे पास कितनी BTC थी, मात्र 45,000 रुपये था BTC उस समय, जो राजेश जी ने बोला था कि सर ले लीजिए, तो हमको विश्वास नहीं होता, बिलीव नहीं होता, ये कौन सी दुनिया है। अब वो समझ में आ रहा है यार गलती हुई, तो मैं लोगों से ये बोलूँगा गलती मत करिए, एकदम 5G के तरह आप भी जुड़िए, और पूर्णतः विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पर ही चल रहा है, और वही अगर आपको गरीबी से भागना है, लोग बोलते हैं यार गरीबी नहीं काम नहीं, काम बहुत है, बहुत काम है इंडिया में, कहीं वर्ल्ड में ही काम बहुत है, हमको करना होगा, सोचना होगा, अपनी आत्माओं को जागृत करना होगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों को। ये बहुत इंडिया क्या, हर देश, जब पूरे देश का पैसा इकट्ठा आने लगेगा, और यहाँ पर चिटिंग नहीं होगा, लोग बोलते घोटाला हो गया, ये हो गया, हो गया, यही एक चीज़ है, लोग इसीलिए डर रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो डर रहे हैं कि यार इसमें क्या कमाई, इसमें कमाई कुछ नहीं, इसमें जनता कमाएगी, क्योंकि इधर का एक लेवा देवा कहीं कुछ नहीं होगा, एक एक रुपए का, एक एक खड़कू का हिसाब रहता है, जो ब्लॉकचेन रहता है, जो अभी हमारे सर जी ने बोला कि सबसे ट्रस्ट अगर काम है डिसेंट्रलाइज तो ये क्रिप्टो ही है। सर मैं एक क्वेश्चन, हाँ पूछिए, 10 कितना बताया आपने, कितना करेंसी रखा है? हाँ, अपने पास अभी ये 10 करोड़ है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, 10 के 10 सब्जेक्ट सब पूरे वर्ल्ड के लिए है कि इंडिया के लिए कितनी है? नहीं, तो वर्ल्ड वाइज है, ये वर्ल्ड वाइज कम्युनिटी है। ये 10 करोड़ जो कॉइन्स है, ये 10 करोड़ कॉइन टोटल मार्केट में नहीं जाएंगे। एक्सचेंज कितने रखे आपने अभी? कैसा है, शुरुआत होने की वजह से इसमें 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का खाली सप्लाई इंडिया के लिए जाएगा, ठीक है, बाकी सब एक्सचेंज में ही पड़े रहेंगे। जैसे जैसे इसका डिमांड रेज होते जाएगा तो इसके पीछे कुछ ना कुछ और साथ हम लोग लेके आएंगे। फोकस ये रहेगा कि कॉइन हमारा जो है, सिर्फ कॉइन के लिए हम काम करने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं एक्सचेंज, मेन मोटो हमारा एक्सचेंज का है, तो एक्सचेंज पे तो लोगों के कॉइन आने वाले हैं, समझ रहे आप,
लोग यहाँ पर अपने कॉइन लिस्ट करने वाले हैं, यहाँ पर से APIs होंगे, APIs के माध्यम से अलग अलग लोग अपना, जैसे आप ही समझ लीजिए कि आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं इस कॉइन को लेकर, तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और लेन देन का जो ट्रांजेक्शन करने का जो एक माध्यम है वो बहुत ईजी हो जाएगा, आपको पैसे इस जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं, ये एक वर्चुअल करेंसी बनी रहेगी, आपके पास भी रहेगी, कंपनी के पास भी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग कॉइन के बारे में कुछ खास ये नहीं कर रहे, हम लोग फोकस पूरा कर रहे हैं वो एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं। शुभकामना देना चाहेंगे? मैं राजेश जी को, पहले बात गणपति पापा का महीना चल रहा है और राजेश जी को पूरी टीम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा विश्वास करता हूँ पापा का कि इनका जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, पापा का आशीर्वाद से और हाथ चले, अगले बार जब आप सब मिलेंगे इससे लगे कि हम लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राजेश जी को, पूरी टीम को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। गणपति पापा मौर्या। थैंक यू सर। सर आपकी। मेरा नाम नामदेव नवले है। आज प्री लॉन्चिंग के मौके पे मैं यहाँ उपस्थित हूँ। राजेश दुर्गे जी ने सोलमेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्री लॉन्च किया है, उसके लिए मैं राजेश जी को बधाई देता हूँ। और जो उन्होंने सोलमेंट कॉइन एक्सचेंज और ब्लॉकचेन तीनों पे बहुत दिनों से काम कर रहे, बहुत दिनों से उनकी तमन्ना थी कि जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, तो ये प्री लॉन्च स्टेज में उन्होंने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जल्दी इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कॉइन ये क्रिप्टो कॉइन ये नई दुनिया है, लोगों को समझने के लिए वक्त लगेगा क्योंकि 7 से 8 साल हुए जो कि क्रिप्टो मार्केट में आए हुए। आज भी दुनिया में 5 से 10% लोगों को भी पता नहीं ये क्रिप्टो क्या है, और अति होशियार यानी जो नॉलेजेबल लोग हैं उनको भी पता तो है लेकिन उसमें एंटर नहीं हो रहे। मैं खुद भी कितने दिनों से इसकी जानकारी रखता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है। तो अभी जो इस साल डिजिटल इंडिया अपन देखेंगे कि अपन मार्केट में देखते भाजी वाली भी अगर कोई भाजी बेचती है या इडली सांभार वाला जो टोप लेके घूमता है वो भी आज फोन पे या गूगल पे का एक स्कैनर रखता है, यानी डिजिटल वर्ल्ड होने जा रहा है। तो ये जो क्रिप्टो है ये डिसेंट्रलाइज होता है, पब्लिक के डिमांड के ऊपर इसका अप एंड डाउन रेट होता है। आज सोलमेंट टेक्नोलॉजी ने 8 रुपये से इसका रेट घोषित करके स्टार्ट किया हुआ है, कल जाके इसके 8 करोड़ भी हो सकते हैं। ये सिर्फ डिमांड के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इसका रेट होता है, 8 करोड़ भी इसका रेट हो सकता है। तो आज पहला दिन है अपना, तो हम 8 रुपये में इसको पा सकते हैं, कल के दुनिया में या कल कुछ सालों बाद 8 करोड़ भी हो सकता है। BTC उसका उदाहरण है, Ethereum उसका उदाहरण है। जो BTC कुछ साल पहले फ्री में मिलता था, 6 रुपये में मिलता था, 12 रुपये में मिलता था, आज उसकी कीमत 19 लाख रुपया है, बीच में उसकी कीमत 35 लाख भी गई थी। यानी डिमांड सप्लाई के ऊपर इसके रेट अप डाउन होते। हमारी जिंदगी भर की पूंजी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, जो अपना फ्री मनी है वो भी अगर लगाएंगे तो भी हम इसमें अपना नसीब पा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश बोलते हैं। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स राजेश दुर्गे सबके 5-6 महीने मेरी मुलाकात हो गई थी कि ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आने वाला है। एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में आने वाला है, खुद का ओन कॉइन, ओन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ओन एक्सचेंजर। मेन एक्चुअली क्या, ये कॉइन का रेट बढ़ने का एक ही चांसेस मेरे को ज़्यादा चांसेस क्यों लग रहा है, बिकॉज मेन ओन खुद का कॉइन है, खुद का एक्सचेंज है एंड खुद का कम्युनिटी ये कॉइन ने शॉर्ट टर्म ने बिल्डअप किया। तो मेरे हिसाब से जो बिटकॉइन ने जो अचीव किया टारगेट, तो सोलमेंट को अचीव करने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं शिखा चौबे आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, और सोलमेंट टेक्नोलॉजी के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उन सभी को दिल से बधाई देती हूँ। सबको बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, और ये पहला दिन है ऑफिस का तो मैं भी पहली बार यहाँ पे आई हूँ गेस्ट के तौर पे, और मैं चाहूँगी कि सब आगे बढ़ें और अच्छे से काम करें इसमें। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज तो है नहीं, बट यही बोलूँगी
कि इसके बाद से जो भी काम करें सब आगे अच्छे से अच्छे करें, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यस दोस्तों, थोड़ा सा कॉइन के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। कॉइन होता क्या है, कॉइन वैलेट टू वैलेट ही चलता है। एक्सचेंज पे हम लोग डालते हैं, वहाँ पे इसका ट्रेडिंग होता है। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे दोस्त राजेश जी, जो जिनसे मेरी 2010 से दोस्ती है, और आज वो खुद का कॉइन लॉन्च किए हैं सोलेमेट के नाम से। और उससे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इनका खुद का एक्सचेंज आ रहा है दिसंबर में। आज तक होता क्या है कि एक कॉइन हम लॉन्च ये करते हैं लेकिन दूसरे के एक्सचेंज पे हम डालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे फ्रेंड ने जो उसकी सोच है कि हमारा कॉइन भी हमारा होगा, एक्सचेंज भी हमारा होगा, फिर इसका रेट क्या होगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सबसे बड़ी आज इस ऑफिस का ओपनिंग है और इन्होंने 8 रुपये रेट से कॉइन को स्टार्ट किया है। आने वाला समय जैसे बिट कॉइन का है वैसे ही सोलमेट कॉइन का होगा दोस्तों। इसलिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, जो भी हो सकता है 10 कॉइन 20 कॉइन 50 कॉइन लेके अपने पास रखो। और जब एक्सचेंजर आता है फिर इसका आप चमत्कार खुद को देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका मेरा नमस्ते, और मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कंपनी का भी। मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें खोलूँगा, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, बहुत सालों से क्रिप्टो करेंसी में एज अ पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पेट नहीं भर रहा था तो पार्ट टाइम जॉब करके मैं बहुत सारे काम कर रहा था, उसमें क्रिप्टो करेंसी भी है। और यहाँ स्पेशली ये स्पेशल है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो मास्टर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है खुद, वो इन हाउस प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे अच्छी सर्विस और अच्छा क्वालिटी का सर्विसेज मिल सकती है ऐप में, ब्लॉकचेन पे और इसमें टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ में जो गुना जी खंडारे सर थे वो इसके प्रोड्यूसर, मतलब बोल सकते हैं हम फाइनेंसर है और इन्वेस्टर है, जिनके ऑलरेडी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, रामेश्वर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसका ये ऑफिस है। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा है, आप इस पर बिल्डर्स ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वाइन ने जो अपना एक मार्केट आज इस्टेब्लिश किया है ब्लॉकचेन के माध्यम से, डिसेंट्रलाइज और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेटिंग नहीं होता है कंपनी की ओर से। ये पब्लिक के डिमांड एंड सप्लाई पे और ट्रेडिंग पे इसका रेट अप एंड डाउन होता है, इसलिए आप बिंदास इसमें लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट करके, लिटिल सिप्स लेकर के अपनी मनी ग्रो कर सकते हैं। सो आई विल विश टू यू, यू बाय दिस कॉइन एंड गेट मनी डबल।